जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है। 10 से लेकर 15 साल पुराने वाहन अगर आपके पास हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देने वाली मैं जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों अब आपके पास अगर 10 से 15 साल पुराने, 10 साल पुराने डीजल, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन हैं और आप दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। आप इस वीडियो को जरूर जरूर लास्ट तक देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों इस जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हम एम रख रहे हैं इस वीडियो के लिए दोस्तों 5000 लाइक का। तो उम्मीद करते हैं आप इस टारगेट को जरूर अचीव करवा देंगे। और साथ साथ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए, और साथ साथ नए चैनल को सपोर्ट करें, प्यार दें जैसे आपने इस चैनल को दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नए चैनल का दे रखा है। अगर 10 साल पुराना वाहन है, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन है दोस्तों, तो आप अगर दिल्ली एनसीआर में हैं तो बहुत अच्छी खबर है। खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री कैलाश गहलोत जी ने इसके बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। तो इस ट्वीट से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ निकल के आई हैं, तो मैं क्लियरेंस के लिए इस वीडियो में आपको जानकारी देता हूं। तो 10 से 15 साल पुराने वाहन हैं तो अब दोस्तों नया नियम के तहत जो पहली अपडेट है, नए शर्त है दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों आप अपने व्हीकल को चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं, पहले तो ये बता देता हूँ कि 10 से 15 साल पुराने वाहन दिल्ली में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है चलने के लिए। कोई भी राज्य का वाहन हो या दिल्ली का वाहन हो, वो अगर 10 साल पुराना डीजल वाहन है, 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन है, अगर चलता हुआ पाया जाएगा दिल्ली में तो उसका चालान काटा जाएगा 10,000 रुपये का फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम दोस्तों और भी ज़्यादा इसका चालान कटता है। तो एनजीटी का एक नया फैसला आया था 2018 में, तब से तो दोस्तों एकदम सीधे सीधे दोस्तों मनाही ही हो चुकी है दिल्ली में अब इतने पुराने वाहनों को चलाने के लिए। इसी के ऊपर नया नियम जो अब दोस्तों ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने ट्वीट के माध्यम से दिया है, वह दोस्तों क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। तो नए नियम के तहत दोस्तों आप अपने व्हीकल को दिल्ली में चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त रखी गई है। शर्त क्या है ये आज जानते हैं। शर्त के हिसाब से अगर आप अपने 10 साल पुराने डीजल वाहन को चलाना चाहते हैं दिल्ली में, या 15 साल पुराने पेट्रोल दोपहिया वाहनों को, तो उसके लिए दोस्तों अपने व्हीकल को, इंजन को आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में चेंज करना पड़ेगा। उस इंजन को मॉडिफाइड यानी कि कन्वर्ट करवाना होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तब आप उसको दिल्ली में चला सकते हैं। यह दोस्तों नया, आप बोलिए तो एडवाइस दिया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर बोल सकते हैं नया नियम है, क्योंकि इसके बारे में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने जानकारी दी। तो उन्होंने बताया कि अब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर इन इंजनों को चेंज कर लेते हैं, इन व्हीकल को, तो आप दिल्ली में आसानी से चला सकते हैं। तो अच्छी खबर है दोस्तों, कहां पर आपका अगर वाहन है वो 10 लाख 12 लाख 15 लाख का फोर व्हीलर आपकी आती है और वहां पर इलेक्ट्रिक इंजन में उसको चेंज करवाने का खर्चा 1 लाख या 2 लाख के बीच में ही आएगा, जो जितना आए दोस्तों, तो वहां पर आप अपने उसको चेंज करवा लेते हैं तो इतने पैसे में आप उसको मॉडिफाइड करवा के दिल्ली में आसानी से चला सकते हैं। यह दोस्तों पहला सुझाव है आप लोगों के लिए, अगर 10 से 15 साल पुराने वाहन आप चलाना चाहते हैं तो। नए नियम के तहत दोस्तों जो दूसरा अपडेट आ रहा है, उसके अपडेट के हिसाब से अब अगर आप अपने 10 से 15 साल पुराने वाहनों को बेचना चाहते हैं तो आप उसको बेच सकते हैं। बेचने पर दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। बेचेंगे आप तो पहले NOC इशू करने में दोस्तों दिल्ली के जो RTO ऑफिस, वहाँ पर आनाकानी होती थी, आपको वहाँ पर दौड़ाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप दिल्ली के वाहन दोस्तों किसी और राज्य में बेच रहे हैं तो वहाँ पर जो बायर है, उस बायर को आप लेके आएंगे जब अथॉरिटी में दिल्ली में, तो वहाँ पर आपको लगे हाथ NOC भी दे दी जाएगी। तो NOC से फ़ायदा यह होता है कि जो बायर उस गाड़ी को ख़रीद रहा है 10 से 15 साल पुराना, वो UP में अगर आ रहा है, हरियाणा में जा रहा है, राजस्थान में जा रहा है, महाराष्ट्र में, पंजाब में, तो वहाँ पर जाकर आसानी से उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा पाएगा, फिर से ओनरशिप ट्रांसफर करवा पाएगा, अपने नाम पर गाड़ी को करवा पाएगा, आसानी होगी। पहले NOC नहीं दिया जाता था, या दिया जाता था तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आपको परेशानी सामना करना पड़ता था, कुछ पैसे भी ज़्यादा लगते थे। तो अब दोस्तों सहूलियत यह है कि अब आपको NOC दोस्तों तुरंत ही इंस्टेंट NOC इशू किया जाएगा। अगर आप अपने व्हीकल को बेचते हैं और आप अर्जी देते हैं कि हम अपने व्हीकल को बेच रहे हैं, और दूसरे राज्य में जब बायर को लेकर आएंगे उस RTO दफ्तर में, तो आपको NOC वगैरह दे दी जाएगी समय पर, ताकि वह राज्य से अपने बाहर उस गाड़ी को ले जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सके। तो दो चीज़ें दोस्तों 10 से 15 साल पुराने वाहनों के लिए मैंने आपको बताई, जो कि खुद सोर्स इसका है दोस्तों ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री कैलाश गहलोत जी ने ट्वीट के माध्यम जानकारी दी। तो दोनों चीज़ें आपके लिए हित में हैं। आप बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, उसका NOC इशू कर दिया जाएगा, ताकि जो भी आदमी उसको खरीद रहा है वो अपने राज्य में उस गाड़ी को रजिस्ट्रेशन करवा पाए, ओनरशिप चेंज करवा पाए, आसानी होगी। उसके अलावा दोस्तों आप उसको खुद चलाना चाहते हैं, आप नहीं बेचना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसको चेंज करिए, चेंज करके आप उसको अपने राज्य में चला सकते हैं।
इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप कन्वर्ट करके बहुत आसान तरीके से चला पाएंगे। तो ये दो नई वहाँ पर अपडेट्स सजेशंस आए हुए थे दिल्ली सरकार के द्वारा, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कमेंट करके उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो आप इस जानकारी से कितने संतुष्ट हैं कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। आपको नया नियम कैसा लगा वो भी बताइएगा। कुछ पर्सनल बातचीत करना चाहते हैं आरटीओ के संबंध में, ड्राइविंग लाइसेंस परमिट फिटनेस, कोई भी डाउट्स है उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंडिविजुअल इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर @TinkleLaloo, इंस्टाग्राम का हैंडल वहाँ पर फॉलो करके आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ट्विटर का यूज़ करिए अपने कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए, ताकि वहाँ पर आपके क्वेश्चन समस्याओं को, आपकी जो शिकायतें हैं उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए ट्विटर का माध्यम का यूज़ करिए। अपने क्वेश्चन पूछिए, शिकायत लिखिए और टैग हमें कर दीजिएगा @TinkleLaloo को। अपने क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं वहां पर ट्विटर के माध्यम से। तो यहां तक अपने वीडियो देखा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करिए और शेयर करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स दोस्तों तक, इस वीडियो को फैलाइए सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक ट्विटर व्हाट्सअप इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हैं वहां पर। और दोस्तों आपसे बताना चाहता हूं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को ऑन करना है। बेल आइकन को ऑन नहीं करते हैं तो आपको नई जानकारियां आपके मोबाइल पर नहीं जाएंगी, तो बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार दीजिए जैसे आपने इस चैनल को दिया है। नीचे मैंने लिंक दे रखा है सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का और नए चैनल का। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से आपका फायदा ये होगा कि आपको लेटेस्ट सर्कुलर PDFs गवर्नमेंट के मिलते रहने समय पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का भी, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ तक वीडियो देखा बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जा दीजिए जय हिंद वंदे मातरम।